तो गाइस आपको हमारे वीडियो में स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो में दो विधि को सॉल्व कर चुके थे। आज हम अपने वीडियो में तीसरे विधि को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लुप्तीकरण विधि, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बाय इलिमिनेशन। तो हम इस विधि को सॉल्व करने के लिए हरदम अपने वो पिछले वाले ही समीकरण को मान लेते हैं जो 2x + 3y = 19 समीकरण एक, और दूसरा हमारा समीकरण था 3x + 4y = 26। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उनमें लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए हम अपने लुप्तीकरण विधि को सॉल्व करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाय इलिमिनेशन। तो इस विधि को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे नोट। तो चिन्ह समान होने पर बताते हैं, इसका मतलब यदि चिन्ह समान हो जैसे प्लस गुणे प्लस हो तो इसे माइनस करेंगे, यदि माइनस गुणे माइनस हो तो इसे भी माइनस करेंगे। और दूसरी बात, चिन्ह विपरीत होने पर जोड़ते हैं, जैसे यदि प्लस माइनस हो तो इसे माइनस कमा यदि माइनस और प्लस हो तो इसे भी घटा लेंगे। तो आइए हम इस विधि को अपने सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम इन दोनों को पहले इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेते हैं 3y = 19 समीकरण एक, कमा 3x + 4y = 26 समीकरण दो। अब हम इन दोनों में ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि हमारा कोई भी दो अंक ऊपर नीचे का कट जाए। तो हम या तो इससे ऊपर वाले में गुणा कर दे या इससे नीचे वाले में, या इससे ऊपर वाले में या इससे नीचे वाले में, तो हम किसी से किसी में गुणा कर सकते हैं। तो हम इसे लेते हैं 4 से इसमें गुणा कर देते हैं गुणे 4, और जब हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान रहे हम इसके ऊपर वाले अंक से ही इसमें गुणा करेंगे तो गुणे 3 कर लेंगे, या हम इससे समीकरण एक में गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे 2x + 3y = 19 गुणे 3। इससे जब हम समीकरण एक में गुणा करेंगे तो हम इसके ठीक ऊपर वाली संख्या से समीकरण दो में गुणा करेंगे, तो हमारा समीकरण दो है 3x + 4y = 26 और गुणे हम दो कर लेंगे, ये ध्यान में रहे। अब हम इसे तो हम इसे छोड़कर इसे लेते हैं, तो इससे 4 से समीकरण एक के में गुणा करने पर देखेंगे समीकरण 4 से एक में, इसे हम और आसान तरीके से लिखते हैं समीकरण 1 × 4 कमी स्थान में हो जाएगा तथा समीकरण 2 × 3। ध्यान रहे जब हम इन दोनों को लेंगे तो 4 में समीकरण 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से गुणा करेंगे, और जब समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे जब समीकरण जब 3 में 3 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो हम उसके ठीक ऊपर वाले समीकरण 2 में ठीक ऊपर वाले से हमसे गुणा करेंगे, या तो हम इसे ले सकते हैं या हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो हमने इन दोनों को लिया है पर, तो हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम 4 में समीकरण 1 से गुणा करेंगे तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा 8x, और प्लस जब 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 में 12y
बराबर, अब जब चार में इससे गुणा करेंगे 19 में चार से तो 76, अब तीन में समीकरण दो को समीकरण तीन से समीकरण दो को गुणा करेंगे तो तीन से जब 3x गुणा करेंगे तो 9x प्लस तीन से समीकरण समीकरण अब तीन से 4y को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 12y और तीन में जो 26 से गुणा करेंगे तो हमारा 78 हो गया। यही अगर हम या हम इन दोनों को लेते तो लिखते समीकरण एक में समीकरण एक गुणे तीन तथा दो गुणे दो, तो जब हम इन दोनों में समीकरण आप देख सकते हैं ये बराबर होंगे और हम इस तरीके से बनाए अगर इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे तो आइए इनको बनाते हैं। तो तीन में दो से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाए 6x और तीन में 3y से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9y बराबर तीन में इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 57 और जब हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 6x प्लस इसमें इससे गुणा करेंगे तो हमारा होगा 8y और इससे इसमें गुणा करेंगे तो 52। आप देख सकते हैं जब हम इन दोनों के लिए हैं तो हमारे लिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं और जब हम इन दोनों के लिए हैं तो हमारे ये दोनों बराबर आए तो हम इनको ना लेकर हम इसे लेंगे इधर वाले को। तो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है जब चिन्ह समान हो तो उसे घटाते हैं तो दोनों चिन्ह समान है हम इसे घटा लेंगे क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस प्लस है और यहाँ प्लस दिए हुए हैं और यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस प्लस है तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस माइनस है ये कट जाएंगे और ये माइनस एक्स बचेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है तो जब माइनस नौ में से प्लस एट घटेगा तो माइनस एक्स बचेगा बराबर जब हम यहाँ पे 78 होगा जब हम इससे इसको घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस टू और जब बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो एक्स बराबर दो बचेगा। अब हम एक्स को समीकरण एक या दो में रख के वाई के मानों को निकाल सकते हैं दोनों में रखेंगे तो हमारा वाई का मान समान आएगा तो हम समीकरण एक को ले लेते हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर तो हम अपने समीकरण एक में x का मान रख देंगे तो हमारा समीकरण एक है 2x प्लस 3y बराबर 19। अब हम इसमें x के स्थान पे हमारा x का मान 2 आया तो 2 को वहां पे रख देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस 3y बराबर 19। अब हम इसे माइनस के बराबर के उस बगल ले जाएंगे तो 19 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 4 घटा लेंगे इसको तो हमारा आएगा 15। अब हमारा जो 3y है तो इसमें 3 इधर गुणा के रूप में है जब 3 नीचे आए बट्टे के रूप में बराबर हो जाएगा तो बट्टे के रूप में हो जाएगा और जब हम इसे कटाएंगे तो हमारा 5 तो इसलिए इसमें भी हमारा हमारे अन्य दो वीडियो में भी x का मान 2 आया था और y का मान 5 आया था।